इसे कहते हैं हवा का रुख। उत्तर प्रदेश में योगी राज का असर सोनभद्र के स्कूल की दीवारों पर भी दिख रहा है। रेटा प्राथमिक विद्यालय पर भगवा रंग चढ़ाने की कोशिश हो रही है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को नहीं मालूम कि भगवा रंग क्या होता है। इन्होंने तो बस साधु संन्यासी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भगवा रंग के कपड़े पहने देखा है। इन मजदूरों को भी इस बात से कोई मतलब नहीं कि स्कूल की दीवारों पर सफेद रंग चढ़ाया जाए या हरा या फिर भगवा। जैसा ठेकेदारों ने कहा उस हिसाब से चटक रंग बनाकर पुताई शुरू कर दी। आमतौर पर स्कूलों की इमारतें सफेद रंग से रंगी होती हैं, लेकिन ग्राम पंचायत के फंड से हो रही रंगाई पुताई के दौरान अफसरों ने स्कूल को भगवा रंग से रंगने का सुझाव दिया। उसके बाद शुरू हो गया प्राथमिक विद्यालय रेहटा का रंग बदलने का काम। कलर के बारे में हमें मालूम नहीं था, हम पूछे किस कलर पुतवाएं, तो वो बोले कि ये कलर पुतवाइए भगवा कलर, ये अच्छा लाइट देगा, अच्छा लगेगा। मतलब ग्राम पंचायत ने स्कूल की बिल्डिंग पर भगवा रंग चढ़ाने का फैसला जिले के अफसरों के कहने पर किया, लेकिन इस मामले के तूल पकड़ते ही जिले के बड़े अफसर बैकफुट पर आ गए और दलील देने लगे कि ग्राम पंचायत से जुड़े लोगों ने ये सब अनजाने में किया। प्रधान या जो भी इसके अज्ञानता बस इस कलर से कराया है तो वो गलत है और उसका सुधार किया जा रहा है, तत्काल उसको कलर बदलने के लिए निर्देशित कर दिया गया। अब अफसर स्कूल की दीवारों पर चढ़ा भगवा रंग हटाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सूबे के अफसर किस मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं।